झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को ओडिशा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। वहीं इंद्रसेना रेड्डी नल्लू को त्रिपुरा का राज्यपाल बनाया गया। राष्ट्रपति भवन ने बुधवार 18 अक्टूबर को बयान जारी कर ये जानकारी दी। बयान में आगे कहा गया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ये नियुक्तियां करते हुए खुशी हो रही है। दोनों पदों पर नियुक्ति उस तारीख से प्रभावी होंगी जब दास और नल्लू अपने अपने कार्यभार संभालेंगे। रघुवर दास फिलहाल बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। वो 2014 से 2019 तक झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं। वहीं झारखंड के गठन के बाद रघुवर दास अपना कार्यकाल पूरा करने वाले पहले सीएम बने थे। दास साल 1995 में जमशेदपुर पूर्वी सीट से पहली बार विधायक बने। वो झारखंड के डिप्टी सीएम पद की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। वहीं इंद्रसेना रेड्डी नल्लू तेलंगाना से बीजेपी के नेता और राष्ट्रीय महासचिव हैं। जैसे जैसे लोकसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे झारखंड में बड़े उलटफेर देखने को मिल रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि ऐसा इसलिए किया गया ताकि बाबूलाल मरांडी को फ्रंट फुट पर लाया जा सके। रघुवर दास पिछली बार विधायक का चुनाव हार गए थे, जिसका कारण पार्टी से ही बगावत करने वाले सरयू राय थे। उन्होंने रघुवर दास को जमशेदपुर पूर्वी से हराते हुए जीत दर्ज की थी। बाबूलाल मरांडी को भाजपा पहले ही झारखंड का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर चुकी है। इसके पहले दीपक प्रकाश के पास यह जिम्मेदारी थी। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।